आइकॉन वर क्लिक करा। सर आज बजट फाइनल होने वाला है, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन से बजट से? वैसे तो ये वोट ऑन अकाउंट है इंटरिम बजट, बट फिर भी लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके समाज के जो चार स्तंभ है, चार वर्ग है, ख़ास करके युवा, नारी, महिला और किसान, सभी के लिए बजट में बहुत सारी उम्मीदें। युवाओं को स्टार्टअप के लिए आवंटन बढ़ा देंगे ऐसी उम्मीद है, और ख़ास करके किसान पीएम किसान सम्मान निधि, उसमें आवंटन बहुत बढ़ा दिया जाएगा, और जो 6000 की जो किसानों को मिलती है सालाना, वो सब्सिडी 9000 कर दी जाएगी ऐसा मानना है, और महिला किसान को ये सब्सिडी 12000 तक की दी जाएगी ऐसा मानना है। ऊपर से महिला किसानों को कर्ज लेने में जो बैंकों से 1% की रिलीफ दी जाएगी, और ऐसा मानना है लोगों का कि जो लाडली बहना एमपी में थी वो सक्सेस हो गए, तो लाडली बहना स्कीम के सेम लाइन में महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल स्कीम आ सकती है, कि जैसे स्विंग मशीन है या स्कूटी है या साइकिल है, जैसे जो वर्ग है ज़रूरत के हिसाब से कुछ ऑफर किया जा सकता है। तो वो एक हो गया महिला, नारी शक्ति के लिए तो जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने, युवा और किसान, ये चारों के लिए दी सकती थी। और यदि आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में और ओवरऑल तीन चीज़ें, एआई, आजकल जो 10 साल पहले जो आईटी ने बूस्ट दिया ऐसा एआई अभी बूस्ट देगी, तो एआई है ऑल्टरनेट एआई, उसके बाद ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी जो सब्सिडी है अभी ट्रैक्टर है ट्रक है उसको भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, और तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग। तो ये तीन में तो मैं लगता हूँ श्योरली कुछ एडिशनल आवंटन बढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा यदि मार्केट की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनकी निगाहें दो चीज़ पर रहती है, एक कैपेक्स और एक फिस्कल डेफिसिट। तो कैपेक्स जो है यदि 10% बढ़ाया जाए, जैसे CII ने बताया है, डिमांड की है, तो समझो वो 12 लाख करोड़ की जाए, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ यदि कैपेक्स 12 लाख करोड़ हो जाएगा, ये सेंसेक्स आज ही 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा, 1000 पॉइंट। वो कैपेक्स पे पूरी निगाह है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, जो फॉरेन इन्वेस्टर सबसे पहले भारत की फिस्कल डेफिसिट जो पहले अभी 5.9% है, तो वो घटाकर 5.3 या 5.5% की जाएगी, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने ऑलरेडी टारगेट दिया है 4.5% फिस्कल डेफिसिट बाई FY 2026, तो 2 साल में ये यही लाइन में कम की जाती। तो ये दो यदि होता है तो मार्केट के लिए अच्छा ही है, बाकी ओवरऑल तो मुझे लगता है कैपिटल गेन या वो कोई टैक्स को टच नहीं करेंगे, तो कोई नेगेटिव चीज़ हम अपेक्षा नहीं करते मार्केट। सर एज पर टू प्रीवियस बजट प्रॉफिटेबल था, और ये बजट आने वाला है उसके लगता है उससे भी प्रॉफिटेबल रहेगा आगे लोगों के लिए? नहीं, इतना फुल फ्लेज तो नहीं आएगा उतनी, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बता दिया है, बट वो जो डायरेक्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, निर्देश, दिशा निर्देश होगा, ये बजट है ना, दिशा निर्देश जारी करेगा, तो डायरेक्शन जरूर देगा, तो वही लाइन में यदि कंटिन्यू करती गवर्नमेंट स्पेंड करना तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी एक बात मुझे खास बतानी है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है नॉर्मली ये एक्सपेक्ट नहीं करते, बट महंगाई अभी सबसे चरम सीमा पर है, तो महंगाई दर को फाइट करने के लिए जो ये कौन सा डिडक्शन रहता है वो बढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो बढ़ाया जाएगा। और एक चीज़ है मेरे को खास अपने आपकी चैनल से आपके माध्यम से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बताना है कि ओल्ड जो रेजिम है इनकम टैक्स का, उसमें भी ATC कितने सालों से नहीं बढ़ाया गया है, ATD मेडिक्लेम इतना महंगा हो गया है, बहुत लोगों को भारी पड़ता है, सीनियर सिटीजन को भारी पड़ता है, तो वो रियायतें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ओल्ड रिजिम में 65% टैक्स पेयर अभी टैक्स पे करते हैं, तो वो लोग भी ईमानदार टैक्स पेयर है, वो भी मिडिल क्लास है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरी एक बहुत ही दरख्वास्त है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कुछ रियायतें जरूर दी जानी चाहिए। सर काफ़ी लोगों का कहना है GST की वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, प्रॉब्लमेटिक हुआ है, GST कम करने की डिमांड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? GST
का कलेक्शन लास्ट तीन महीने में देखा जाए तो 1.65 लाख करोड़ से 1.70 लाख करोड़ तक हुआ है। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन जीएसटी का हुआ है। लेकिन इसका उपयोग गवर्नमेंट शायद फिस्कल डेफिसिट कम करने में, क्योंकि टैक्स की इनकम ज़्यादा, एक्सपेंस थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करने में पहले फोकस करेगी, उसके बाद यदि कुछ पॉसिबल है तो कहीं इधर उधर। बट मैं नहीं लगता है कोई रियायतें ये बजट में, वो सब जुलाई के बजट में दी जाएगी और अभी उसमें कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है।